वारिस मीर अंडरपास में ट्रक फंस गया। ट्रक फंसने से अंडरपास को शदीद नुकसान पहुंचा। हादसे के बाद ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम, गाड़ियां सुस्त रवि का शिकार। एक घंटे बाद टायरों से हवा निकालने के बाद ट्रक को निकाल लिया। पंजाब असेंबली का इजलास खत्म होने के बाद नून और जुनून आमने सामने। असेंबली की सीढ़ियों पर खड़े होकर एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी। ऑपोजिशन का मुअत्तल अराकीन को बहाल करने का मुतालबा। लीकी अराकीन कहते हैं पीटीआई ने तोड़ फोड़ का इल्जाम लगाया। मुअत्तल अराकीन की बहाली तक इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली जब तक जानिबदारी का मुजाहरा कर रहे हैं पीछा नहीं छोड़ूंगा। स्पीकर की जानिबदारी बिल्कुल मंजूर नहीं, कमेटी से बात नहीं बनेगी। ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की पंजाब असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले ऑपोजिशन आज नहीं तो कल मुत्तहिद हो जाएगी। छह मुअत्तल अराकीन की बहाली तक असेंबली इजलास में ना जाने का ऐलान। सरपरा अवामी तहरीक डॉक्टर ताहिरुल कादरी तबीयत नासाज होने पर अस्पताल दाखिल। डॉक्टर ताहिरुल कादरी की निजी अस्पताल में सर्जरी हुई। तर्जमान के मुताबिक सरपरा अवामी तहरीक रूबसेहत है।